जी हाँ, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन और आदित्य रॉय कपूर और साथ ही साथ संजय दत्त स्टारर फिल्म कलंक का टीजर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ निर्देशक अभिषेक बर्मन, निर्माता करण जौहर और साजिद नाडियावाला भी मौजूद थे। इस पूरे इवेंट में सबकी नज़र माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर टिकी थी। लगभग 25 साल बाद दोनों किसी स्टेज पर अगल बगल साथ खड़े दिखे। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों की नज़रें और फोटोग्राफ्स के कैमरे संजय दत्त और माधुरी से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर किसी को उनके बीच की केमिस्ट्री अट्रैक्ट कर रही थी। जब एक सवाल के जवाब में संजय दत्त ने कहा कि बहुत सालों के बाद मैडम माधुरी जी के साथ काम किया है, तो संजय दत्त के ठीक बगल में खड़े वरुण धवन ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि संजय सर माधुरी मैम को यहाँ और सेट पर भी मैडम क्यों बुलाते हैं। इस सवाल का कोई जवाब संजय दत्त या माधुरी देते, उससे पहले ही आलिया ने वरुण के कान खींचते हुए तपाक से कह दिया कि तुम भी कुछ सीखो उनसे और तुम भी मुझे भी मैडम बुलाया करो। वरुण और आलिया की यह नोकझोंक इशारों में और बाद में बातों में भी चलती रही। आलिया का करारा जवाब सुनकर लोगों ने जमकर तालियां बजाई, वहीं संजय दत्त और माधुरी की हंसी भी जोर से छूट गई। लोगों की तालियों से वरुण थोड़ा शर्मा गए थे, लेकिन संजय दत्त ने उनका पीठ सहलाकर उनका हौसला बढ़ा दिया था। वहीं आपको बता दें कि करण से सवाल किया गया कि फिल्म कलंक के टीज़र में सभी फीमेल कलाकारों सोनाक्षी, माधुरी और आलिया का नाम पहले आता है और उसके बाद आता है संजय दत्त, वरुण धवन और आदित्य का नाम, क्या यह निर्णय सोच समझकर लिया गया है? तो जवाब में करण जौहर कहते हैं कि हमें भी तो महिलाओं ने ही जन्म दिया है, मेरी परवरिश और सफलता में इन्हीं महिलाओं का हाथ है, यह तीनों महिलाएं कलंक की आत्मा और दिल हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्माता करण जौहर की फिल्म कलंक 19 अप्रैल को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 1940 के बैकग्राउंड पर बनी इस प्रिय ड्रामा का निर्देशन अभिषेक बर्मन ने किया है। आपको याद होगा कि यह वही फिल्म है जिसमें एक्टिंग के लिए एक्ट्रेस श्रीदेवी तैयार हो गई थी और इसके कुछ समय बाद ही उनके निधन की खबरें सामने आ गई थी और बाद में इसी रोल के लिए माधुरी को साइन किया गया था। आपको बता दें कि फिल्म के टीज़र की शुरुआत होती है माधुरी के डांस से और आलिया भट्ट की एक भव्य महल में एंट्री से। इसके बाद वरुण धवन की आवाज़ में एक शानदार डायलॉग है जिसमें वह कहते हैं कि कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना होता है। महारानी वाले लुक में माधुरी के अलावा एक टेबल पर किसी शख्स के सामने काफ़ी गंभीर मुद्रा में दिख रही सोनाक्षी सिन्हा और फिर सफ़ेद कपड़ों में नज़र आती हैं आलिया भट्ट, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि जैसे वह उस जगह में हमेशा से कहीं दूर जा रही हों। टीज़र में माधुरी दीक्षित के डांस का भी तड़का है और आलिया भट्ट आदित्य रॉय कपूर की दुल्हन बनी दिख रही हैं और इसी के साथ सुनाई दे रहा है उनका डायलॉग जिसमें वह कहती हैं, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज़्यादा बर्बाद और कोई नहीं दुनिया में। इसके बाद दिखता है वरुण धवन का खून से सना हुआ चेहरा। तो आपको कैसा लगा कलंक का टीज़र, हमें ज़रूर बताएगा। अगर आप फिल्म देखने जाएंगे फिर भी हमें बताइएगा नीचे कमेंट में लिख के कि आपको कैसा लगा। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।